हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप अपने MI के एंड्रॉयड फ़ोन में जो आपका स्मार्टफोन है ना, आप उसको और ज़्यादा स्मार्ट कैसे बना सकते हो। तो इसमें कुछ हिडन फीचर्स हैं जो आपके फ़ोन को और भी स्मार्ट बनाता है, तो उन फीचर्स की बात करूँगा इस वीडियो में और आप सभी को बताऊँगा कि कुछ फ़ीचर्स कैसे होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं। शायद ही कुछ बंदों को पता होते हैं कि आप उनको अनेबल कर लेंगे तो आपका फ़ोन और ज़्यादा ही स्मार्ट हो जाता है। तो गाइज, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है सभी सेटिंग्स और कैसे अनेबल करना है स्मार्ट फीचर को अपने MI के डिवाइस में। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सिंपल यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके अपने एंड्रॉयड फ़ोन के जो आपका MI का फ़ोन है उसके मेन सेटिंग में चले जाना है। फ़ोन के मेन सेटिंग में आने के बाद आपका यहाँ पर मेरा फ़ोन है UI 12.5.5 पे और आपका डिफरेंट होता है, तो शायद ही आपके फ़ोन में ये सेटिंग ना हो। नेसेसरी नहीं है कि सभी फ़ोन में हो, लेकिन सभी फ़ोन में भी ये सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस, आपको यहाँ पे नीचे के साइड आना, अपने फ़ोन के मेन सेटिंग में आके नीचे के साइड यहाँ पे एडिशनल सेटिंग आपको दिख जाएगा। एडिशनल सेटिंग को आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे, तो आपको पहले नॉर्मल सेटिंग दिखेगी, उसके नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सेटिंग दिख जाएगी। तो सबसे पहली जो सेटिंग है यहाँ पे बटन शॉर्टकट्स, अभी दूसरे फ़ोन में कुछ और भी नाम हो सकता है इसका, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन बटन शॉर्टकट जो है इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे आप देख सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे नन दिख रहा है जो कैमरा, लॉन्च कैमरा है, तो यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ दिख जाएगा कि आप डबल प्रेस करते हो पावर बटन को तो आपका कैमरा ऑन हो जाए। उस वैसी सेटिंग यहाँ पे सारी मिल जाती है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर आप कैमरा यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा तो ये सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से कर लीजिए। जैसे कि आप होम बटन डबल प्रेस पर कर लेते हो तो यहाँ पर दो बार होम बटन दबाइएगा तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। देखिए, सिंपल, आप जब दो बार अपना होम बटन दबाइएगा तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ये सेटिंग आप दूसरे फ़ोन के लिए, मतलब कि और भी बटन से और भी शॉर्टकट्स हैं वहाँ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए थ्री फिंगर्स आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे एक और दिखता है कि यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट का ही है कि आप यहाँ से थ्री फिंगर्स और बाकी और भी सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे एक और नीचे है गूगल असिस्टेंट, उसके लिए भी यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे टर्न ऑफ स्क्रीन, उसके लिए भी लगा सकते हो कि आप पावर बटन से स्क्रीन ऑफ नहीं करना चाहते तो कुछ और भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको टॉर्च, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी लगता है कि टॉर्च, तो टॉर्च ओपन करने के लिए आप वहाँ पर डबल पावर बटन कर लेते हो और यहाँ पर रिप्लेस कर देते हो। तो आप देखिए, यहाँ देखिए टॉर्च ऑन हो गया मेरा। अगर आप दो बार पावर बटन दबाते हो तो आपका टॉर्च सिंपल से ऑन हो जाएगा। आप इस तरीके से इस सेटिंग को स्मार्टफोन में अपने कर सकते हो MI के, कि कभी लाइट चली गई, अचानक से अंधेरा हो गया तो आप दो बार पावर बटन दबाइए और ऑन हो जाएगा आपका टॉर्च। और उसके बाद यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और सेटिंग है क्लोज करंट ऐप, उसके लिए भी आप यहाँ सेटिंग लगा सकते हो। तो ये शॉर्टकट्स बटन से कुछ आप भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा और भी यहाँ पे फीचर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे LED लाइट दिख जाएगी जो आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन पे ब्लिंक करेगी, यहाँ पे आपके चार्जिंग पे ब्लिंक करेगी, जो आपका नोटिफिकेशन, जैसे कि नोटिफिकेशन आता है या फिर आपके फ़ोन चार्ज पर लगता है तो इसे भी अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्विक बॉल, ये कुछ ज़्यादा मैं इसको बताऊँगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक बॉल सी आ जाती है जो कि आप आईफोन में देख सकते हो वैसे कुछ, तो इसे आप स्किप कर दीजिए, कुछ खास से उतना स्मार्ट नहीं है। उसके बाद वन हैंड मोड, जिससे कि आप एक हाथ से मोबाइल चला सकते हो, आपका फ़ोन की स्क्रीन बड़ी है, ये दोनों हाथ से यूज़ करना पड़ता है और आप थक गए हो तो एक हाथ से सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद नीचे एक दिखता है क्लियर स्पीकर, ये आपके फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल फीचर है और बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ से आप जब इसको अनेबल करते हो तो आपके 30 सेकंड तक आपके ऑडियो से हवा निकलती है और एक साउंड प्ले होता है। उससे आपकी, जैसे कि आपका स्पीकर पुराना हो जाता है आपका फ़ोन, तो क्या होता है कि आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग, जैसे कि आप सॉन्ग सुनते हो तो सॉन्ग की आवाज़ बहुत कम आती है, तो आप ये कर लेते हो 30 सेकंड तक तो आपके स्पीकर की आवाज़ की एबिलिटी बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छी आवाज़ करने लगेगा आपका फ़ोन।
उसके बाद यहाँ पे एक दिख जाता है मेमोरी एक्सटेंशन, जिससे आप रैम बढ़ा सकते हो, आपके फ़ोन में जितनी कैपेसिटी होगी उतना रैम बढ़ा सकते हो अपने फ़ोन के हिसाब से। सो गाइस इस वीडियो में इतने, आपका ये फ़ोन की जो भी स्मार्ट सेटिंग थी मैंने यहाँ पे बता दी है, आप अपने फ़ोन में देखिए और अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग मिलती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।